लेकर यादव लश्करी परिवार के बीच लठ चले। दोनों पक्षों से महिला समेत 5 घायल अस्पताल में भर्ती। निकास चौराह के समीप धोबी गली में मंगलवार दोपहर यादव लश्करी परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। घूरने की बात पर झगड़ा होना बताया गया, जिसमें लठ पाइप चलने से दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं, इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरेआम मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोतवाली पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों ही परिवार आमने सामने रहते हैं। वह एक पक्ष से प्रेमलता पति बद्रीलाल 60 साल निवासी धोबी गली की रिपोर्ट पर नितेश लश्करी, सागर लश्करी, काजल लश्करी व गणेश के खिलाफ मारपीट व हमले की धारा में केस दर्ज किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष से काजल पति सन्नी गोड़ की रिपोर्ट पर पप्पू उर्फ हरीश, अज्जू उर्फ अजय, धर्मेंद्र उर्फ गोलू, भंडारी यादव व भरत यादव निवासी धोबी गली के खिलाफ मारपीट, हमले व जान से मारने की धमकी धारा में केस दर्ज किया गया है। क्रॉस क्राइमी के बाद मामले में जांच की जा रही है। पुराने विवाद में तूल पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे व उनके बीच जमकर मारपीट हुई। क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया है व जांच भी की जा रही है। ये यहाँ पे है, 4-5 चोट लगी है, मतलब पूरा इधर के हिस्से में लगी है। निकास चौराहे धोबी गली में यादव परिवार हमारे पे जानलेवा हमला किया है। कोई इस यादव परिवार जो हमला करता है और ये घुराघारी करता है, ये सारे एकजुट मिला के करते हैं। इनके पास पैसा है, पैसे से हमारे को दबा नहीं करते। हमारी जमीन धोबी गली में धर्मशाला है हमारी, मेरे दादा की थी। वो दादा ने हमारी समाज की धर्मशाला दान दे दी समाज को, तो वो इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वो कब्जे की लड़ाई 2 अक्टूबर को हुई थी, 2-3 साल पहले गांधी जयंती पे, जब से वो लड़ाई अभी तक चलती आ रही है। और यहाँ से ये 12-15 जने आए थे, जिसमें अज्जू यादव है, अप्पू यादव है, भंडारी यादव, भोला यादव, इंदौरगेट वाला लालू यादव है, जस्सू यादव है, धीरज यादव है, और उसमें उनका लड़का प्रियांश यादव का वो अपना लड़का, और उसमें गोलू यादव है। ये 12-15 जनों ने मारा है, और इन्हें गैंग बना के मारी है। हथियार थे इनके पास, छोटा चाकू था इनके पास धार वाला, जिससे 307 की कार्रवाई हुई है। और इसके बाद हमारे ऊपर बेसबॉल के बल्ले, लठ, खील वाला डंडा और सब्बल से वार किया हुआ है। मेरे भाई को बहुत भयंकर लगी, बहुत सीरियस है वो। और अभी मैं मध्य प्रदेश शासन से ये चाहूंगा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। ये यादव करते हैं, ये मोहनी यादव जी तक की बात जाना चाहिए कि आप इनमें बीच में ना आए। ये जो आज लगभग 11:30 बजे निकास चौराह के पास में धोबी गली में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है, और दोनों पक्षों के बीच मतलब कोई विवाद की बहुत बड़ी वजह नहीं रही, आपस में छोटी मोटी बातों को लेके पहले भी बहसबाजी हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अजय, विनोद और भरत, इसके अलावा सागर और नीतीश, ये घायल हैं। थाना कोतवाली पर दोनों पक्षों की ओर से FIR ली जा रही है, और FIR के बाद में इनको जो भी पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य विवेचना के लिए अपने आयुष नियुक्त कर दिए गए हैं। नए वर्ष व छुट्टियों के कारण धर्मनगरी उज्जैन में देवस्थलों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर के चारों ओर जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। बाहर से आने वाले वाहनों के कारण शहरवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा पार्किंग के लिए अब एक नया ऐप जारी किया गया है। उज्जैन पार्क स्मार्ट नाम से इस ऐप में शहर की 4 पार्किंग को जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी CEO आशीष पाठक ने बताया कि महाकाल मंदिर के आसपास स्थित छोटा रुद्रसागर पार्किंग, त्रिवेणी पार्किंग, बेगमबाग पार्किंग और मैकदूत पार्किंग को ऐप से जोड़ा गया है। खास बात यह है कि कोई भी बाहर से आने वाला श्रद्धालु इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग कर सकता है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही दे सकता है। गूगल प्ले से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगा।
एक्चुअली उज्जैन पार्किंग करके एक ऐप हमारे स्मार्ट सिटी द्वारा डेवलप किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था करना और ट्रैफिक को मैनेज करना एक चुनौती था। इस हेतु हमने 4 पार्किंग महाकाल मंदिर के चारों तरफ डेवलप की है, और उसका उद्देश्य भी यही था कि जो आने वाले वाहन है उनको जो हमारे जो चारों प्रवेश द्वार है उनसे प्रवेश भी मिल सके और जो पार्किंग है वो डिसेंट्रलाइज भी रहे। तो हमारे छोटा रुद्रसागर में पार्किंग है, इसके अलावा त्रिवेणी पे पार्किंग है, बेगमबाग में पार्किंग है और मेघदूत पार्किंग है। इसके अलावा भी भविष्य में हमारी एक यूनिटी मॉल वाली पार्किंग आएगी और कर्क राजेश्वर पार्किंग भी आएगी। तो जितनी भी पार्किंग रहेंगी उनको इंटीग्रेट किया गया है, और अगर बाहर से आने वाला श्रद्धालु है और उसको ये लगता है कि उसको किस पार्किंग में जगह उपलब्ध है तो एक तो ये सूचना मिल पाए और वो वहीं से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर ले, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर ना भटकना पड़े और रोड पर जो एक प्रेशर है गाड़ियों का वो भी कम हो। तो एक सुविधाजनक पार्किंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, और स्मार्ट सिटी द्वारा ये कैलकुलेट भी किया गया हमारी जो एजेंसीज हैं और जो हम लोगों ने सर्वे कराया था कि महाकाल मंदिर में जिस हिसाब से श्रद्धालु आ रहे हैं और आने वाले 10 साल के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है, और इसके लिए करीबन 2000 ECS की जरूरत होगी। तो हमने वो पार्किंग फैसिलिटी डेवलप की है, और यूनिटी मॉल बनने के बाद ये पार्किंग फैसिलिटी करीबन 3500 ECS हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है जिस संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए समुचित होगी। अब उनका जो मैनेजमेंट करना था वो एक चैलेंज था, तो उसके लिए इसे आपको डेवलप किया गया। क्रिसमस की छुट्टियों और नए वर्ष को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है। यहाँ 3 लाख से 5 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकाल मंदिर की दान पेटियों में दान राशि तो बड़ी ही है, इसके साथ ही लड्डू प्रसादी की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर समिति के सदस्य पुजारी राम गुरु ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में 2 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसादी की बिक्री हुई है। लड्डू प्रसाद की बिक्री से मंदिर समिति को करीब 80 से 90 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। 30 व 31 दिसंबर और 1 जनवरी व नए साल के शुरुआती को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने करीब कई क्विंटल लड्डुओं का स्टॉक किया है। यहाँ बता दें कि वह महाकाल का लड्डू प्रसाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा बनवाया जाता है, और यह प्रसाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के काउंटर से ही बेचा जाता है। यहाँ पर 1 किलो लड्डू प्रसाद 400 में मिलता है। जी निश्चित रूप से बड़े दिनों की छुट्टियां लगी हुई है और महाकाल मंदिर की प्रसिद्धि विश्व में हर कोने में पहुंच चुकी है। छुट्टियां प्लस दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए काफी संख्या में यहां पर लगभग ऐसा मान के चलेंगे कि 2.5 से 3 लाख और हो सकता आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है दर्शनार्थियों का यहाँ पर आया है। इसी क्रम में भगवान महाकाल की प्रसादी महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से हर घर तक पहुंची है। लगभग 200 क्विंटल के आसपास यहाँ पर माल बना था और करीब करीब मंदिर को इससे 80 से 90 लाख रुपए की व्यवस्था बनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर निगम मुख्यालय में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चयनित स्थानों के हितग्राहियों से सीधा संवाद करते हुए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में हितग्राहियों से चर्चा की गई। सीधे प्रसारण में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश अटवाल, MIC सदस्य पार्षद गण, अपर आयुक्त आदित्य नारायण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उज्जैन महापौर मुकेश अटवाल, कलावती यादव अध्यक्ष, नगर पालिक निगम आदि उपस्थित थे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरुजी द्वारा अहिरवार का सम्मान किया गया। बहुत बधाई।
अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा श्री महाकालेश्वर भगवान जी की साय आरती में सम्मिलित हुई। पुजारी माधव शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया पूजा पाठ। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को 3233 अंतर्गत शासकीय नूतन स्कूल चारधाम मंदिर के पास शिविर आयोजित हुआ। शिविर में निगम अध्यक्ष लावती यादव, पार्षद लीला वर्मा सम्मिलित हुए एवं नागरिकों से संवाद करते हुए शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को अवगत करवाया गया एवं नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलवाई गई। का स्वागत हमारे क्षेत्र की पार्षद श्रीमती लीला वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सब लोगों से आग्रह है कि कर्तव्य मंडल अध्यक्ष आदरणीय विजय चौधरी जी का भी शाल उड़ाकर स्वागत करें। अरे बेटा फोटो इस वर्ष के अंत में व नए वर्ष की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुधवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम पर महाकाल मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर व मंदिर समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम, SP सचिन शर्मा, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के साथ ही महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 1 जनवरी को 10 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 60 बसें निःशुल्क चलाई जाएगी। पार्किंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। VIP श्रद्धालुओं की वजह से आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसलिए अलग मार्ग रखा जाएगा। कार्तिक मंडपम से चलित भस्म आरती करवाई जाएगी। नई टनल के माध्यम से श्रद्धालु 6 कतार में एक साथ दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए शक्तिपथ मार्ग से प्रवेश मिलेगा। श्रद्धालुओं को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। छुट्टियों में जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगे। किस प्रकार की पार्किंग रहेगी या किस तरह से श्रद्धालु सुविधा से? देखिए, हम पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें लगाई जाएंगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क हर सिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ कर्कराज पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकेंगे। देखिए, पैदल तो उनको चलना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर और मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग लगभग अधिकतम आएंगे। सर, VIP भी इसी दौर में आते हैं, इनके लिए उनके लिए पृथक व्यवस्था है। VIP का रूट और श्रद्धालुओं का रूट कहीं मैच नहीं हो रहा है। VIP के कारण श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलित भस्म आरती चलेगा जिससे कि सुबह श्रद्धालु सीधे पीछे कार्तिक मंडपम से जाकर चलित भस्म आरती में भाग ले सकेंगे। वहीं SP सचिन शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 1000 पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा और CCTV से नजर रखी जाएगी। नववर्ष का जब आगमन होगा तो दर्शनार्थी भी काफी संख्या में आएंगे। इसी को लेकर जो दर्शन व्यवस्था है वो पार्किंग डायवर्जन व्यवस्था और किस प्रकार से कहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट रहेगा उस पर गंभीर अध्ययन और चिंतन किया गया और ये हमारा प्रयास रहेगा सभी के दर्शन सहजता, सुगमता और सरलता से हों। लगभग 1000 से ऊपर कबल जो 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लगातार शिफ्ट वाइज ड्यूटी पर रहेगा। ड्रोन से पहले जो खासकर मूवमेंट होता है उसकी नज़र रखी जाएगी, कहीं किसी ने कोई संदिग्ध आचरण तो नहीं है।
इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है लगातार मंदिर के अंदर बाहर हमें काफ़ी मदद करता है, और इसकी जो वॉल है तो इसके माध्यम से हम लोग जो पूरी टीम है वो वीडियो वॉल पे लगातार नज़र रखेंगे।